सेब के दरख्तों में मशकूक कैटर से बाग मालिकान सख्त परेशान। हॉर्टिकल्चर महकमा से फौरन इकदामात करने की अपील। नाजरीन खबरें अब तफसील से सुनिए। साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात साजगार नहीं हैं। हुक्मरान जमात अपने आप को धोखे में रख रहे हैं क्योंकि इन्हें इस बात की यकीन था कि आर्टिकल 370 और 35A की बर्खवास्तगी के बाद हालात रातों रात बेहतर हो जाएंगे, मगर हालात मजीद बिगड़ते गए हैं। उमर अब्दुल्ला कोटरंका में अवामी इजलास के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वादी में टारगेट क्लंक हो रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई के बाद टारगेट क्लंक कुछ अरसे के लिए बंद हो जाती है, मगर दोबारा ये शुरू हो जाती है। टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं एक के बाद एक, अब हफ्ते में तीन हुई हैं। हर कुछ हफ्तों के बाद ये सिलसिला शुरू हो जाता है, फिर कुछ दिनों के लिए थम जाता है, फिर हुकूमत के तरफ से ऐलान होता है कि अटैक करने वालों को हमने मार दिया, लेकिन फिर महीने के अंदर अंदर दोबारा ऐसे हादसे होते हैं। लेकिन अब हालात साजगार नहीं हैं, हालात ठीक नहीं हैं, क्योंकि हमारे हुकुमरान जो हैं अपने आप को धोखे में रख रहे हैं। उनको ये गलत फहमी थी कि शायद 370 और 35A हटाने के बाद सारा कुछ ठीक हो जाएगा और रातों रात ठीक होगा। 35A और 370 तो इन्होंने हटा दिया, लेकिन हालात में बेहतरी नहीं आई। अब मामला अदालत के सामने है, आप अदालत में सुनवाई शुरू होने दीजिए, उसके बाद अदालत के फैसले का इंतज़ार करिए ना। अब हम तो अपना मौकफ जो है अदालत के सामने रखेंगे। पुलिस ने बारामूला में कल रात एक शराब की दुकान के करीब ग्रेनेड हमले के इल्ज़ाम में तीन अफराद को गिरफ्तार कर लिया। वाजह है कि कल रात नामालूम अफराद ने बारामूला के दीवान बाग में शराब की दुकान के करीब ग्रेनेड फेंका, जिसमें एक शख्स हलाक, दीगर तीन जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक इस हमले में तीन अफराद शामिल थे जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि वो इस मामले में मजीद गिरफ्तारी कर सकती है। ज़राए के मुताबिक मंगल की शाम बाइक पर सवार जंगजू ने दीवान बाग बारामूला में शराब की दुकान पर ग्रेनेड फेंका, जिसमें एक शख्स की शनाख्त रंजीत सिंह वाल कृष्ण लाल साकन राजौरी के तौर पर हुई है, जबकि तीन जख्मियों की शनाख्त गुरुद्दीन सिंह के बतौर हुई है। कठुआ के गजेंद्र सिंह वल्द, गोविंद सिंह वल्द, गुरुदेव सिंह राजौरी और रूही कमार वल्द करतार चंद कठुआ जख्मी हो गए हैं। जिहादी आतंकवाद बुखलाए हुए हैं, जिसकी वजह से चुन चुन कर जो हिंदू हैं उनकी किलिंग की जा रही है। सरकार को चाहिए कि जड़ से आतंकवाद, जो अभी जिहादी आतंकवाद है, उसको जड़ से समाप्त किया जाए।
और जो भी कश्मीर में हिंदू हैं वो सुरक्षित हो और सुरक्षा उनको प्रदान की जाए। हम एलजी सरकार और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कश्मीर के अंदर जो भी हिंदू हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। आखिर के अंदर रंजीत सिंह जो कि एक अपना मजदूरी करने श्रीनगर गए थे, आतंकवादियों द्वारा ग्रेनेड हमला किया गया जिसमें उनकी मृत्यु हुई। हम सरकार से मांग करते हैं उनको सहायता राशि दी जाए ताकि उनके परिवार में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये जो हमारा रात को जी हमारे रंजीत सिंह जी की मर्म हत्या जो कश्मीर में मिलिटेंटों द्वारा की गई है, हम उसका पूरी तरह से विरोध करते हैं और इसी वजह से हम रोड ब्लॉक किया। हमने उसके गरीब बच्चे हैं, चार बच्चियां हैं छोटी छोटी, और इतने उनके घर में इतना जो हमारा अंत्येष्ट क्रिया के लिए जो सामान इकट्ठा करना होता है हमारे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, उसके लिए उनके पास पैसे। ग्रेनेड हमले में हलाक होने वाले रंजीत सिंह के अफराद खानदान ने राजौरी के करीब एहतजाज करते हुए ट्रैफिक निज़ाम धर्म भरम कर दिया। उन्होंने मुतासरा खानदान को 25 लाख रुपया देने और किसी एक फर्द को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। जिस आतंकवादी ग्रोह ने इसकी हत्या की है इससे वो ज्यादा कायर कोई नहीं हो सकता। क्यों? कि मजदूर का क्या मारना, उन्होंने मजदूर को मारा और उस मजदूर को मारा जिसकी चार बच्चे, पूरा परिवार उसके सहारे जी रहा है और वो बेचारा मजदूरी करने के लिए कब वहाँ गया था। मैं सुबह आया हूँ यहाँ, पुलिस डिपार्टमेंट ADC सुंदरबनी आए हुए हैं। मैं ये मांग करता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर की तर्ज पर फौरन इनको जो है रिलीफ मुहैया करवाए और एक सदस्य को नौकरी दी जाए, नहीं तो ये एक नहीं मरा आतंकवादियों ने, एक नहीं मरा, छह आदमी, उसके चार बच्चियां और एक बच्चा और एक उसकी बीवी भी भूख से मर जाएगी। सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए और परिवार को गुजर बसर करने के लिए कम से कम 25 लाख का जो पैकेज है इस परिवार को देना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी सुंदरवनी में जब हमारा रवि नाम का एक भाई किश्तवाड़ के अंदर दंगों में मारा गया था लेकिन आज तक उसको कंपनसेशन नहीं दी गई। हमने सुंदरवनी चौक को तो बंद किया था लेकिन प्रशासन के कहने पर हमने चौक खोला, उन्होंने बोला कि इसको कंपनसेशन दी जाएगी, परिवार के बंदे को नौकरी दी जाएगी, लेकिन आज तक उसको एक रुपए की जो कंपनसेशन नहीं दी गई है। आज ही हमें इंसाफ चाहिए और कोई दिन डिसाइड नहीं करेंगे हम, बस आज ही चाहिए। हमारे पापा को बोल रहे हैं हारे, बस परिवार में एक कम से कम एक बंदे की तो सर्विस दी जानी चाहिए ना। बुध को कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर में मौलाना आजाद MA रोड पर सुबह से पहले लगने वाली आग में ट्रैफिक हेडक्वार्टर का दफ्तर जज्वी तौर पर जलकर खाकस्तर हो गया। एक मुश्तरका कार्रवाई में जम्मू व कश्मीर पुलिस और फौज ने तीन नौजवानों को कंडी गांव के जंगलाती इलाके से पकड़कर दहशतगर्दों के जाल में फंसने से रोक लिया और इन्हें इनके वालदीन और खानदान के हवाले कर दिया। तीन गुमराह लड़के कपाड़ा में लाइन ऑफ कंट्रोल LOC को अबूर करने के लिए जा रहे थे। पुलिस ने जिन तीनों नौजवानों की शिनाख्त की है, इनके नाम नसीर अहमद वाजा वल्द रसूल वाजा, अदनान नसीर खान वल्द नसीर अहमद खान और उमर रियाज सूफी वल्द रियाज अहमद सूफी के तौर पर की गई है। SSP कपवाड़ा ने इस बारे में तफसीलात बतलाई है। देखिए, ये कंडी जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है कपवाड़ा जिले का, वहाँ पे पुलिस और आर्मी ने एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के मिलने पे
सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था। सर्च ऑपरेशन के दौरान वहाँ पे तीन जो टीनएजर्स हैं वो पकड़े गए, और जब उनको अप्रीहेंड किया गया, उनसे पूछताछ की गई, तो पता चला कि वो एक अपने ही गांव के, क्योंकि ये सोपुर के, डोरू सोपुर के रहने वाले हैं, वहाँ के एक एक्स टेररिस्ट की बातें सुन के और उसको ये उससे ये रास्ता समझ के कि वो पाकिस्तान के लिए इधर इधर से जाया करता था या इस कंडी के फॉरेस्ट से जाके और फर्दर लोला क्रॉस करके पाकिस्तान गया था, वही रास्ता अपना के ये भी एक, मैं तो ये कहूँगा कि टेररिज्म से ग्लोरी, उनकी जो ग्लोरीफिकेशन होती है उसको, टेररिस्ट की ग्लोरीफिकेशन को पढ़ के और उस जो एक्स टेररिस्ट है उसकी बातें सुन के मिसगाइड होके और उस रास्ते पे निकले थे कि ये पाकिस्तान जाना चाहते थे। और टाइमली जब इनको वहाँ पे अप्रीहेंड किया गया तो पुलिस, आर्मी, सब हम दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनने बच्चों की काउंसलिंग की और इनके पेरेंट्स को भी बुलाया और आज हम इनको इनके हवाले कर रहे हैं। सर, जिसकी राह पे ये चल रही थी, जिन्होंने इनको गाइड किया, मिसगाइड किया था, क्या उसके खिलाफ कोई एक्शन हो रहा है? बिल्कुल, उसको हमने अपने काउंटर पार्ट्स जो हैं वो उनको इतला दी गई है और वो उसकी क्वेश्चनिंग जो है वो अलग से करेंगे। अगर कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करें, एक पीसफुल डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन ऐसे एलिमेंट्स यहाँ नहीं बसते हैं, लेकिन अमन शांति के लिए क्या कुछ अपील करना चाहेंगे ऐसे बच्चों को जो ये गलत राय इख्तियार करते हैं, क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, पेरेंट्स को सबसे प्राइमरी रोल, किसी भी, चाहे टेररिज्म है या ड्रग्स है, पेरेंट्स का प्राइमरी रोल बनता है कि वो अपने बच्चों को सुबह शाम उन पर नज़र भी रखें, उनकी ओरिएंटेशन को भी और उनके जो पीयर ग्रुप है, जो साथी हैं उनके, उन पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। वो किसके साथ बैठ के खेलते हैं, किसकी कंपनी में जो है वो आगे पीछे चलते हैं, उन पर नज़र रखने की ज़रूरत है और सही जो दिशा देने की ज़रूरत है, पढ़ाई की तरफ ध्यान लगाने, ताकि उनकी एनर्जी या उनकी लाइफ को एक अच्छी दिशा दे सके। सदर मजलिस वरकुन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी मुल्क को फिर से उसी और नवे के काले दौर की तरफ ले जा रही है। बैरिस्टर ओवैसी ने इस उम्मीद का इजहार किया कि सुप्रीम कोर्ट निचली अदालत के तमाम अहकाम जारी करेगी। पर हुक्म अल्तवा बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि कर्नाटक के वजीर की तरफ से दूसरी मसाजिद के खिलाफ किए गए रिमार्क्स पर कहा कि बाबरी मस्जिद के बाद से ये खदशात थे कि अब दूसरी मसाजिद को निशाना बनाया जाएगा। बीजेपी मुल्क में और फसाद कराना चाहती है। डर में ये कहा गया कि मुसलमानों को रिलीजियस ऑब्जर्वेंस करने की पूरी इजाजत है और रिलीजियस ऑब्जर्वेंस में वजू भी शामिल है, वजू करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, और वो जिसको कहा जा रहा है प्रोटेक्शन के लिए 400 साल से उसको हाथ नहीं लगाए, और अगर यही आगे आप करते रहेंगे तो फिर ताजमहल को बंद कर देना पड़ेगा, पूरे फवारे बंद हो जाएंगे ताजमहल के, सीलिंग को संरक्षित करने के। अरे नहीं, अरे भाई साहब, वो तो गलत ऑर्डर है लोअर कोर्ट का, लोअर कोर्ट का ऑर्डर गलत है। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब कल इसकी सुनवाई करेगा तो कंप्लीट स्टे दे देगा, लोअर कोर्ट के ऑर्डर पर कंप्लीट स्टे दे देगा, उस सर्वे के ऊपर, उस सब चीजों के ऊपर, शिवलिंग को संरक्षित होना। अरे वो इम्प्यून ऑर्डर है, वो उसको शिवलिंग नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने, इम्प्यून ऑर्डर कहा, वो चैलेंज हुआ है, आप क्यों उसको नाम दे रहे हैं इस तरह का? अरे फवारा है और बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने, लोअर कोर्ट ने बगैर सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट आए, बगैर मुसलमानों को मौका दिया सुनने की, आपने ऑर्डर पास कर दिया, कंप्लीटली अनफेयर है। ये बताता है कि किस राह पर लेकर जाना चाहते हैं उसको। मैं प्रमोद साहब, आपने ही मुझसे सवाल किया था बाबरी मस्जिद का, जब टाइटल सूट का जजमेंट आया था, और मैंने आपसे कहा था कि ये जजमेंट के बाद ये सब काशी, मथुरा और आपके मुख्तलिफ जगह पर ये मसले उठेंगे, तो यकीनन वो सही कह रहे हैं, बीजेपी के एजेंडे में शामिल है। बीजेपी उस मुल्क को 1980 और 1990 के उस काले दौर में लेके जाना चाहती है जहां पर दंगे, खून, फसाद और नफरत। इस हमारे वतन अज़ीज़ में ऑलरेडी मुसलमानों के खिलाफ तो नफरत का एक तूफान चल रहा है, बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है, तो और ये मसले पैदा करेंगे और मुश्किलात पैदा करना चाहते हैं। वेल, द इनर मोस्ट डिजायर एंड द बिलीफ ऑफ कांग्रेस एंड बीजेपी पार्टी सिंपल, दैट इज देर शुड बी नो अदर पोलिटिकल पार्टी इन इंडिया अपार्ट फ्रॉम कांग्रेस एंड बीजेपी। दे के नॉट टॉलरेट
देयर डीएनए डेनाउंस डज नॉट टॉलरेट एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी अपार्ट फ्रॉम देमसेल्फ एंड फॉर बीजेपी इट इज वेरी कन्वीनियंट टू हैव कांग्रेस टू रूल द कंट्री. थर्ड पॉइंट इज दैट द कांग्रेस हैज कंप्लीटली फॉरगॉटन. दे हैव नो सेलेक्टिव मेमोरी और मे बी दे आर सफरिंग फ्रॉम एमनीजिया. The UPA first government and the second government was made how on their own strength? No, the regional parties had come together. Fourthly, you had ruled Maharashtra as number one party for 15 long years. Now you are a number three party in Maharashtra. Why? You had ruled Delhi under the leadership of late Sheila Dixit for many, many years. Now not even some semblance of Congress is found in Delhi. Telangana. You had divided the state of Andhra Pradesh. There is no one to even garland any leader of Congress party in Andhra Pradesh. Where are you in Telangana? You are nowhere to be found in the GHMC area. You are found somewhere in some parts of Telangana. So their whole idea and their belief is that only Congress and BJP should be there. And it is very convenient for BJP. Because they want this Congress so that they can continue to rule the country. Sir, Hardik Patel. Yes, yes. Hardik Patel met me and asked me before going and leaving Congress party. I was there in Gujarat. Let them blame me for this also. Their working president has no confidence in their unofficial president. And leaves the Congress party and joins BJP or he has left the Congress party. We don't know what party is going to join. That is the fate of Congress party. There are many people who are leaving Congress party. They don't believe in Congress party. They know for a fact what is happening in the country. Sir, the Supreme Court ordered DM Varanasi to ensure protection of civilian, not. Well, I beg to disagree with you because the Supreme Court has said in the impugn order, the honourable lawyer, Mr. Huzaifa Ahmadi Saab, had objected to the usage of that term. So the honorable judges said the impugn order that is being challenged on the Supreme Court. And that fountain has been there in Masjid for 400 years that has not been damaged. Now if you make every fountain that kind of definition or classification, then tomorrow you will have to close Taj Mahal because in front of Taj Mahal there are many fountains. So we hope that the Supreme Court will be hearing this matter tomorrow. They will give a complete stay on the lower court order, which is violating the Supreme Court judgment, which is going against the 1991 Act. And fortunately for us, one of the judges had happened to be a judge, or happened to be part of the five judges bench, which pronounced. DRDO की तरफ से बैरी एंटी शिप मिसाइल को तैयार किया गया है. आज उड़ीसा के साहिल से इस एंटी शिप मिसाइल का भी तजर्बा किया गया. हिंदुस्तान बहरिया को इससे और मजबूत मिलेगी. मुल्क भर में आज कोविड के 1,829 नए केसेस दर्ज किए गए हैं. 33 अमवात की तस्दीक हुई है. एक्टिव केसेस की तादाद 15,647 बताई गई है. जुमला अमवात 5,24,293 तक पहुंच गई है. डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 4,25,87,259 तक हो गई है. 24 घंटों में 2,549 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है. अब तक मुल्क में 191,65,007 टीके दिए जा चुके हैं. जी भाई आ रही देखोगे भाई. हेलो डिविजनल कमिश्नर पीके पोले ने डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर डायरेक्टर मुश्ताक अहमद और डॉक्टर राजीव प्रधान के साथ चीफ रोटरी क्लब श्रीनगर में इंफॉर्मेशन ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की. Hello? रोटरी इंटरनेशनल के जेर एहतमाम मेडिकल हेल्थ कैंप की तफसीलात बताते हुए पीके पोले ने कहा कि कोविड की तीन लहरों की वजह से मुलतवी होने वाली बैकलॉग सर्जरी की गई है.
उन्होंने कहा कि गुज़श्ता एक हफ्ते से तकरीबन 14-15 ऑपरेशन थिएटर्स में तकरीबन 2100 सर्जरीज की गई है, जो सुबह 7 बजे से शाम 8 बजे तक काम करना शुरू किया गया था। हाँ भैया, बल्ले और पटना प्रगति प्रोग्राम में तब्दीली 3 जून से होगा आगाज। रियासत के मामलात में मरकज की मुदाखलत मुनासिब नहीं, आला सतह इजलास से वजीर आला का खिताब। जाकिर, बहुत ठंडा दिख रहा है यहाँ पे, बहुत ठंडा दिख रहा है यहाँ पे, रूम ठंडा है। हाँ भाई, बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। मुल्क को 80 और 90 के तारीखी दौर में झोंकने की कोशिश, सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी ने किया फिक्रमंदी का इजहार। करती है और ये रोटरी क्लब आप बोलते हैं, वो एक एक जगह के क्लब रहते हैं, जैसे कश्मीर में श्रीनगर में 2 क्लब है, वैसे हर जगह क्लब है। और कुछ ना कुछ तो अच्छा काम इंसानियत के लिए, सारे लोगों के लिए करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन अपना काम करती रहती है। सबसे बड़ा काम जो रोटरी इंटरनेशनल ने किया है, जो है हर सरकार के साथ पोलियो इरेडिकेशन का जो काम किया था, उसमें रोटरी की अहम भूमिका रही है। आज भी रोटरी इंटरनेशनल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो एरिया है जहां पोलियो अभी भी है, सिर्फ 2 देशों में है, वहां रोटरी इंटरनेशनल काम कर रही है। तो रोटरी इंटरनेशनल की तरफ से आज ये कैंप हो गया है, मेजर ऑपरेशंस किए हैं, जो यहां की हेल्थ डिपार्टमेंट में होता है, ऐसा नहीं होता नहीं है, लेकिन जो बैकलॉग है। अगस्त में करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये 2 हमारे अभी के प्रोजेक्ट्स कश्मीर के लिए है। और नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आने वाले असेंबली इंतखाबात की तैयारी करते हुए शिवसेना ने तमाम असेंबली सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने का फैसला किया। पार्टी के जम्मू व कश्मीर यूनिट के सरबरा मनीष सहनी ने आज जहां अपने इंतखाबी मंशूर को जारी करते हुए इत्तला दी कि शिवसेना जम्मू व कश्मीर यूनिट के सरबरा ने आज यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़द शहर का जगमगाता शोरूम ब्रदर्स पत्थरगट्टी हैदराबाद। पल्ले और पटना प्रगति प्रोग्राम में तब्दीली, 3 जून से होगा आगाज। रियासत के मामलात में मरकज की मदाखलत मुनासिब नहीं, आला सतह इजलास से वजीर आला का खिताब। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई ने आज जन आकांक्षाओं पर आधारित अपना एक 25 सूत्रीय लक्ष्य पत्र जारी किया है। इस लक्ष्य पत्र को लेकर जम्मू कश्मीर की तमाम विधानसभा सीटों पर हम अपने प्रत्याशी
दर्द में सड़ रही है। इंसाफ इंसाफ के लिए उठने वाली मुतासरीन की आवाजें और आंसू खुश्क हो चुके हैं। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद का तकद्दस 18 मई 2007 को उस आसरीन को आज भी इंसाफ नहीं मिला। इस बम धमाके में दर्जनों जख्मी हुए थे। पूरा की गई थी, उसमें भी मुसलमानों की मौत हुई। रजवी की सदारत में किया जा रहा है, जो जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों के मुर्शिद हैं और साथ ही साथ इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रदिल्लाहु ताला अन्हु के दियार से उनके शहजादगान में भी तशरीफ ला रहे हैं और जो मुस्लिम स्कॉलर वहाँ तशरीफ ला रहे हैं हजरत मौलाना मुफ्ती शहरियार साहब और दीगर हजरात बड़े बड़े स्कॉलर हैं जिनसे जिनकी बात सुनने के बाद इस्लाम जो पैगाम अमन का नशर करता है और ख़ास तौर से इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि हम वहाँ आवाम को ये बताएं कि मुल्क की सालमियत के लिए कौन ख़तरनाक है और मुल्क की सालमियत को बहाल रखने के लिए कौन है। तो इसलिए तमामी अहबाब से मैं ये अपील लेके हाजिर हूँ कि आप बरोज़ सनीचर एतवार को 21-22 मई में जामिया मोइनुस्सुन्ना डिंगला जिनयार्ड में पहुँचे और जो ये बैनुल अक़वामी की गिरफ्तारी के बाद कॉन्फ्रेंस मोहब्बत रसूल होने जा रही है, इसमें तशरीफ लाकर सवाबेदारे हासिल करें। इलाके मंडी के हनू में मुकामी अवाम ने पीएचई के खिलाफ जमकर एहतजाज किया। एहतजाजी मुकामी अवाम का कहना था कि पिछले 2 माह से इनके इलाके में पीने के पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। मुकामी अवाम का कहना था कि पीएचई की जानिब से पानी के बिल्स जारी किए जा रहे हैं, जबकि पानी मैसर नहीं है। पानी की अदम दस्तियाबी से मुकामी अवाम सख्त मसाइल से दोचार हैं। अराउंड में जो तिमरा पंचायत है, कलानी है, आप देखेंगे कैनू कलानी पंचायत में एक ग्रेविटी लाइन जो है ये जबी से आ रही है किंगर से, और तकरीबन गवर्नमेंट ने उसके ऊपर 2.5 से 3 करोड़ रुपया खर्च किया है और वो पिछले 2 सालों में इतना अच्छा पानी चल रहा था। 2 महीने से मैं एक्जिम साहब के दफ्तर को खटखटा रहा हूँ, मैं एस सी साहब के दफ्तर में गया और मैंने बाला हुकाम तक मैंने ये चीज बोली, आपका लाइनमैन वहाँ नहीं है, हमें लाइनमैन को दीजिए। इस 2 महीने में हमारे लाइनमैनों ने या हमारे डिपार्टमेंट ने पीछे वालों के साथ मिलके पता नहीं इतने बड़े होल उस ग्रेविटी लाइन में कर दिए कि वहाँ जो पानी पीछे से आ रहा है वो रास्ते में खत्म हो जाता है और ना ही हमारे वहाँ टैंक जो है सूखा पड़ा हुआ है और हमारे जो लोग कैनू के वहाँ उन्होंने अपना माल मवेशी लेके वहाँ से शिफ्ट होना शुरू कर दिया है और हमारा जितना भी कैनू का वहाँ का जो पानी आ रहा था जो 2.5 करोड़ की हमारी स्कीम थी वो इस वक्त तक फेल हो चुकी है। एलजी इंतजामिया ने इतना पैसा दिया है पीएचई डिपार्टमेंट, मैं कहता हूँ मैं बयान नहीं कर सकता कि अगर एलजी इंतजामिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना पैसा दे रही है ये यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ बैठ के डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जो हमारा पीएचई डिपार्टमेंट है ये किसको देख रहा है, ये इस पैसे को कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। मैं तो समझता हूँ कि ऐसे एक्जिम को ऐसे पीएचई के लाइनमैनों को कम से कम इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, इनको इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। 2.5 महीने हो गए हमारे गांव में कोई पानी पीने नहीं है। पहले तो ये है कि पहले जहाँ शादी होती है तो ये पीएचई वाले हमारे से 10,000 रुपये मांग रहे हैं कि एक शादी का 10,000 रुपये दो तो हम पानी सप्लाई करेंगे। हम पैसे भी देते हैं तो हमें पानी नहीं मिल रहा है,
वाम है, हम एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। हमारा माल मवेशी मर रहा है, हमारी बच्चियां और औरतें बहुत दूर जा रही हैं, पानी को 5-6 किलोमीटर पे जाती हैं और दिन को रात को वहाँ लाइन लगती है पानी पे, वहाँ भी पानी खत्म हो चुका है। हमारा पानी बिक्री कर देते हैं, ये पैसे ले के भी हमें पानी नहीं। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बाग मालकान को काफ़ी परेशानियों का सामना है। तफसीलात के मुताबिक वादी कश्मीर के कई इलाकों में सेब के दरख्तों के पत्तों पर खुश किस्म की बीमारी लग गई है, जिसकी वजह से बाग मालकान में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। ज़िला पुलवामा में भी इसी तरह बागात में सेब के दरख्तों के पत्तों पर खुश बीमारी लगी है। बाग मालकान को अपनी एक टीम भेजे ताकि इस परेशानी से निजात मिल जाए। دوا چھس کار اس گو زہریل تس گو دہی لٹ زہریل بیس گو شڈول یہ سر برابر کیا مجھ پورمت مجھے پانچن ورین ہند سائنس پورمت مجھے بس ان پڑھ پن پڑھ کی لہذا بس اپیل کر ہارٹیکلچر مان ز ڈپارٹمنٹ سی تھی یو تھی وچو تھی کرو تحقیق کہ یہ کم سی مر یہ کیوں یہ یہاں کے سب باغوں میں یہ شکایت ہے اور ہم ڈپارٹمنٹ سے اپیل یہی کرتے ہیں کہ وہ ٹیم بھیجے تاکہ اس بیماری کا ازالہ ہو سکے۔ مالن پورہ کے سائنٹسٹ دو آ گئے، بس ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کا کوئی یہاں پہ نہیں آیا۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے کہا کہ مسلمانوں مسجدوں کی بے حرمتی کو برداشت نہیں کر سکتے، فرقہ پرست طاقتیں لا قانونیت پر کمر بستہ ہیں اور عدالتیں مظلوموں کو مایوس کر رہی ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے مرکزی حکومت اور ریاستی حکومتوں سے ملک میں مسجدوں کو نشانہ بنانے کی کوششوں پر ان کا موقف صاف کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پرسنل لا بورڈ نے فیصلہ کیا کہ گیان واپی مسجد کیس میں انتظامیہ، مسجد کمیٹی اور اس کے وکیلوں کی قانونی مدد کی جائے گی اور ضرورت پڑنے پر عوام کو مسجدوں کے بارے میں جھگڑے پیدا کرنے کے پیچھے حقیقی نیت کو بے نقاب کرنے کے لیے ملک بھر میں ایک مہم چلائی جائے گی۔ منگل کی رات مسلم پرسنل لا بورڈ کمیٹی کی ایک ورچوئل میٹنگ ہوئی جس میں کئی فیصلے کیے گئے۔ بورڈ کے ایگزیکٹو ممبر قاسم رسول الیاسی نے یہ بات بتائی۔ گیان واپی مسجد اور شاہی مسجد متھرا پر تنازعات کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ افسوس کی بات ہے کہ ملک میں مسلمانوں کی عبادت گاہوں اور 1991 کے عبادت گاہ قانون کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ افسوس کی بات ہے کہ مرکزی حکومت اور ریاستیں حکومتیں اور ان پر خاموش ہیں، اس کے پارٹیاں جو آپ کو سیکولر کہتی ہیں۔ بورڈ نے ان تمام سے مطالبہ کیا کہ وہ اس بارے میں اپنا موقف صاف کریں۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے ایک ٹویٹ میں انڈیا اور سری لنکا کے حالات کا تقابل کیا اور ملک کی معاشیت کی حالت پر حکومت کو نشانہ بنایا۔ اپنے ٹویٹ میں کانگریس لیڈر نے کہا کہ لوگوں کی توجہ ہٹانے سے حقیقتیں نہیں بدل سکتی، انڈیا کئی مہینوں میں سری لنکا نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے 6 گرافکس پیش کیے جن میں 3 انڈی اور 3 سری لنکا کے ہیں۔ ان گرافکس میں بے روزگاری، پیٹرول کی قیمتوں اور فرقہ وارانہ تشدد کا حوالہ دیا گیا ہے۔ سری لنکا ان دنوں بدترین معاشی بحران سے دوچار ہے۔ انفورسمنٹ ونگ کی جانب سے سری نگر میں جیولری شاپ اور بیکری کی دکانوں کو سیل بند کر دیا گیا ہے۔ انفورسمنٹ ونگ کے مطابق بیکری کے ذمہ داروں نے اپنی قیمتوں پر کنٹرول نہیں کیا، حالانکہ انہیں پہلی ہی وارننگ دے دی گئی تھی۔ انفورسمنٹ ونگ نے ایک جیولری شاپ کو بھی سیل بند کر دیا ہے۔ انفورسمنٹ ونگ کا کہنا تھا کہ جیولری شاپ میں ہاں مارکنگ نکلی تھی جس کی پادشاہ میں دکان کو سیل بند کر دیا گیا ہے۔ مطلب آپ نقلی سولہ بھیجتے ہیں؟ ایک منٹ، مطلب
से थी किससे तो हम वही मानेंगे कि भला आप हॉल मार्किंग की नकली करते तो सोना भी फिर नकली। अभी जो हमारा हॉल मार्किंग सेंटर है उसने नकली स्टैंप डाली, उसका मतलब है सोना नकली मेरे हिसाब से। ईद से पहले इस बेकरी शॉप को पहले भी सील किया था हमने, इसको वार्निंग भी दी है, जो भी उन्होंने अनाउंसमेंट ऑफ रेट्स किया था हमने इनको बताया था कि इस रेट्स का आप जो भी गवर्नमेंट ने फिक्स रेट के उसी पर कायम दायम रहे, लेकिन वो नहीं है। हमने हमारी आज भी जो टीम की जो ड्राइव थी हमने देखा था, जिन जिन लोगों को भी हमने वार्निंग दी थी तो आज वो लोग वही चीज़ें कर रहे थे, इसलिए हमने बेकरी शॉप को भी सील किया है और साथ में सुनार की दुकान को इसलिए किया है क्योंकि उनकी जो हॉल मार्किंग हमने देखी है आज वो हॉल मार्किंग नकली निकली। इसका मतलब है जो भी गोल्ड वो बेचते हैं उसमें कैरेट्स का कोई भी कोई ना कोई डिफरेंस ज़रूर होगा कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इनको एनएफ दिया है गोल्ड सिम्स को यहाँ कश्मीर की वैली को कि आप लोग जितना भी आपका अगर पुराना सोना है जो विदाउट हॉल मार्किंग है उसको आप फिर ठीक कर लीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। हमने दो साल इनका वेट किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी दो साल इनको टाइम दिया था क्योंकि दो चार चार महीने छः छः महीने ये लोग एक्सटेंशन लेते थे। आज हमने फिर जो ड्राइव में देखा इनकी जो हॉल मार्किंग हुई है वो नकली थी, इसलिए हमने उसको उस शॉप को सील किया। डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सील, दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ सीलिंग ऑफ द गोल्ड सिम शॉप फर्स्ट इन द वैली एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस ड्राइव मोड। सुनील डिंपल ने बीजेपी अराकीन की जानिब से लाउड स्पीकर पर पाबंदी से मुतलक जारी किए गए करारदाद पर सख्त तनकीद की। उन्होंने गवर्नर इंतजामिया से सवाल किया कि क्या गवर्नर इंतजामिया लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगाने का मंसूबा बना रखी है या नहीं। उन्होंने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर मजहबी तफरीका पैदा करना चाहती है जो एक सियासी हरबा है। एलजी मनोज सिन्हा साहब, आपसे ये सीधा सीधा एक सवाल जम्मू कश्मीर की आवाम ये पूछना चाहती है, जो कल बेतुका सा एक भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि लाउड स्पीकर के ऊपर प्रतिबंध बैन लगाया जाएगा, क्या एलजी मनोज सिन्हा साहब आपकी इंतजामिया स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी क्या लाउड स्पीकर को जम्मू कश्मीर में बैन करने जा रही है या नहीं, इसका हम आपसे जवाब और ये चाहते हैं कि आप अपना एडमिनिस्ट्रेशन का जम्मू कश्मीर सरकार का स्टैंड क्लियर करें क्योंकि इसकी वजह से जम्मू कश्मीर में हालात मजहबी इख्तलाफ और नफरतों की दीवारें पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जिस प्रकार से जम्मू के मंदिरों के शहर में क्या आप अब सत्संग जगराते घंटियों की आवाजें गुरुद्वारों में रागियों के लाउड स्पीकर ग्रंथ साहब की रागियों के राग और मस्जिदों में अजानों के ऊपर आप प्रतिबंध लगाना चाहते हैं या भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक खेल मजहबी खेल अपने नाकामयाबियों को जम्मू कश्मीर में छुपाने का प्रयास कर रही है, यह सवाल आपसे बनता है और आप हमें ये जल्द से जल्द बताएं कि क्या आप जम्मू कश्मीर में लाउड स्पीकर की राजनीति करने जा रहे हैं, क्या आपकी सरकार इसको बैन करने जा रही है, इसका हमें जवाब चाहिए। दूसरा सवाल यह है कि आप बताएं कि आप अभी तक राहुल भट्ट, रियाज अहमद और जो सेलेक्टिव किलिंग्स टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, अभी तक राहुल भट्ट के परिवार को अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला, आप उसके घर में नहीं गए, आप उसके परिवार को नहीं मिले हैं, क्यों नहीं मिले हैं, ये आप इस बात को स्पष्ट करें। और साथ में हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस खून खराबे को दंगे फसादों को आप जम्मू कश्मीर में रोकने के लिए मासूम लोगों की जाने जो कल भी ग्रेनेड हमले में राजौरी पुंछ का हमारा नौजवान एक शहीद हो गया, हर रोज नौजवान शहीद होते जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम मजहबों के लोग इस आतंकवाद की आग में जल रहे हैं, आपकी सरकार क्या कर रही है, क्या आप ये मजहबी राजनीति कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लोग और पीएम पैकेज के इंप्लॉयज बुरी तरह से नकार रहे हैं लेकिन आपकी मजहबी। वक्फ बोर्ड चेयरमैन दरख शाह अंद्राबी ने
एस मुकाम का दौरा करते हुए ज्यारत आस्ताना आलिया सखी ज़ियादुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी दी और कमेटी मेंबरान से तबादला ख्याल किया। आज हम यहाँ पे आ गए हैं दरगाह आलिया में, क्योंकि आज हमारा मकसद सिर्फ यहाँ पे कि हम अपनी सलाम यहाँ पे पेश करें। हमारे मेम्बरान भी हमारे साथ है, यहाँ की इंतजाम में हाजिरी दी और यहाँ पे बहुत सारे काम भी करने हैं, वो भी करने हैं, तो अब हमें ये दौरे जारी रखने। श्रीनगर के मगरमाल बटमालू में पानी की शदीद किल्लत पर अवाम ने एहतजाजी मुजाहरा किया और फौरन पीने के पानी के मसले को हल करने की मांग की। नाजरीन चलिए डालते हैं एक नजर फिर से सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में हालात साजगार नहीं, हुक्मरान जमात धोखे में, उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा टारगेट कलंक एक संगीन मसला है। बारामूला ग्रेनेड हमले में एक शख्स की मौत, तीन जख्मी, मुतासरा खानदान ने एक्सक्रीशन की मांग की। कश्मीर पुलिस और फौज ने तीन नौजवानों को दहशतगर्दी के जाल में फंसने से बचा लिया, एसएसपी कपवाड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत में 1,829 कोविड के नए केसेस, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने कहा कि बैकलॉग सर्जरीज का किया गया आगाज। सेब के दरख्तों में मशकूक केटर से बाग मालकान सख्त परेशान, हार्टिकल्चर महकमा से फौरन इकदाम करने की अपील। नाजरीन फिलहाल खबरों में इतना ही, मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज। अल्लाह हाफिज़।